अंदर सरकार वापस लो, वापस लो, वापस लो। कृषि कैप्टन लोग काले कानून के अंदर सरकार वापस लो, वापस लो, वापस लो। इन जवाब केंद्र सरकार कृषि कैप्टन लोग काले कानून वापस लो, वापस लो। एमएसपी पे कानून लाना होगा, एमएसपी पे काले एमएसपी पे कानून लाना होगा। केंद्र सरकार कृषि के काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। किसान भाई आगे बढ़ें। साथियों, आज आपके सामने कृषि के काले कानून पिछले साल जो पास किए गए थे, आप उधर से लगाइए। आसनसोल की जनता मिलकर राहुल और पीछे और पीछे आइए। कमेटी कानपुर के बैनर के नीचे आज ये तीनों काले कानून को भगत सिंह चौक में अगन भेंट किया जा रहा है। आपके सामने कृषि के तीनों काले कानून है जो उसे चलाया जा रहा है। भारत सरकार जिसके मुखिया श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पिछले साल जो तीनों काले कानून पास किए गए थे, आज ये 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। हमारे किसान 6 महीने के अंदर 400 से ऊपर हमारे किसान कर्मियों की जान चली गई है और जान देते हुए उन लोगों ने इस आंदोलन में अपनी शहादत प्राप्त की है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को समय मिल गया कि मैं पश्चिम बंगाल में उसके कुछ परसेंटेज बढ़ गए हैं, ताकि प्रधानमंत्री के को जो मुद्दी हुई है, कितने पार्टी के संगठन के जितने भी नेता हैं, आज तक किसी ने भी उस आंदोलन करते हुए 400 लोगों की जो जान गई है, किसी भी परिवार के लिए उन्होंने दुख नहीं जताया, लेकिन आज उनका एक पार्टी का। आज हम पिछले साल भारत सरकार की तरफ से कृषि के तीन काले कानून पास किए गए थे, आज उसका पूरा 1 साल हो गया है। जो अभी तक भारत सरकार की पास बहुत सारी मांगे इस किले के कृषि के तीनों काले कानून को रद्द करवाने के लिए दिल्ली पे और देश की जगह जगह पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन अभी तक भारत सरकार के कानों के नीचे जू नहीं रही है। इसलिए आज हम संपूर्ण क्रांति दिवस के तौर पे आज इस दिन को हम काला दिवस फिर से मना रहे हैं कि आज इस काले कानून का पूरा 1 साल पूरा हो गया है। इसलिए आज हम पूरे आसनसोल डिवीज़न के लोगों का सहयोग लेकर फिर से भारत सरकार के पास मांग कर रहे हैं। हम हमारे आसनसोल शहर भगत सिंह मोड़ चौक पे ये जो तीन काले कानून पास किए गए थे, इसे रद्द किया जाए। और आज हम सारे लोगों के सहयोग से आज जो ये बिल है उसका एक हमने मूर्ति बनाई है, जो उसको आज हम यहाँ पर ही बिल को जलाएंगे। ये हमारी मांग है भारत सरकार के पास कि इस तीनों काले कानून को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। समस्त খবরের তৎক্ষণাৎ আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে বেল বাটনটি ক্লিক করুন। আরো খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।